धीरज साइमा कक्षा 11-12 के लिए हिंदी में व्याकरण का विषय अभिव्यक्ति और माध्यम ये पढ़ा रही हूँ। अभिव्यक्ति होता है अपने विचारों को प्रकट करना और माध्यम हम किस किस तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर उससे संबंधित प्रश्न है। कक्षा 11 और 12 दोनों में 5 नंबर का प्रश्न आते हैं, तो 5 नंबर के प्रश्न आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उसको तैयार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर इनको बार बार वीडियो को सुनेंगे तो भी आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो कुछ एक जो क्वेश्चन है उनमें से यदि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के होते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर मुद्रित माध्यम कौन कौन से होते हैं। इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ मिलेंगे आपको, मैंने अलग से यहाँ पर नहीं लिखा है। मुद्रित माध्यम कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया कि अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं, किस प्रकार से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, और मुद्रित होता है छपा हुआ। तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ माध्यम है, मुद्रित माध्यम है। तो मुद्रित माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, जैसे होर्डिंग लगी होती है, पंफलेट होते हैं, तो वो सभी मुद्रित माध्यम में आते हैं। दूसरी बात है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है, कि जो कोई खबर सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचे उसे हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। सबसे पहले जैसे ही घटना घटित होती है और उसी समय उसे प्रसारित कर दिया जाता है, उसी समय उसे रिपोर्टर के द्वारा जो एंकर होता है वो लोगों तक पहुंचा देता है बात, तो उसे हम कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद है ड्राई एंकर। जब एंकर, आप कभी टीवी देखते हैं तो टीवी में जो न्यूज देने वाला है उसे हम कहते हैं एंकर। जब एंकर के पास में घटना स्थल से संबंधित कोई दृश्य नहीं होता और वो उस घटना स्थल पर जो रिपोर्टर होता है उस रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर जो खबर देता है उसे ड्राई एंकर कहते हैं। जो घटना स्थल की जानकारी देने वाला है उस व्यक्ति को ड्राई एंकर कहते हैं। इसकी एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी, बिना दृश्य जानकारी देने वाले एंकर को ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन, फोन के माध्यम से कोई घटना स्थल पर कोई भी घटना घटित हुई फोन के माध्यम से उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना उसे फोन इन कहते हैं। इसके बाद है लाइव, किसी भी घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारण करना, जैसी जैसी जो जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें वैसा का वैसा लोगों तक पहुंचाना उसे लाइव कहते हैं। इसके बाद है जनसंचार के माध्यम, बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें से मैंने बताया है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इसके बाद में जो पंफलेट है या फिर स्पीचेस होते हैं, जो कोई वक्ता जो भाषण देने वाले होते हैं वो भी जनसंचार का माध्यम है। लोग घर घर जाकर लोगों को जागृत करते हैं। रंगमंच है, रंगमंच के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है, तो ये जनसंचार के माध्यम है। इसके बाद है इंटरनेट पर, जो है इंटरनेट की क्या क्या सुविधाएं हैं, इंटरनेट पर जो समाचार देते हैं उसकी क्या सुविधाएं हैं, तो इंटरनेट पर सूचना को पढ़ लिख और देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इससे और बाकी क्वेश्चन आगे सुनिएगा ध्यान से। रेडियो श्रव्य माध्यम है, श्रव्य मतलब जिसको केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता है। रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, इसमें स्वर, ध्वनि और शब्दों का मेल होता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें स्वर, ध्वनि और शब्दों का मेल होता है। 9th पॉइंट है दूरदर्शन कैसा माध्यम है, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन वो कैसा माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट जो पॉइंट है वो है रेडियो दूरदर्शन दोनों के, जैसे जो समाचार पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए क्या खास बात होनी चाहिए, उसका समाचार किस प्रकार से टाइप किया जाना चाहिए, टाइप को हिंदी में कहते हैं टंकन, कि उनका जो समाचार है वो किस प्रकार से टंकित होना चाहिए,
उसके बारे में है कि रेडियो और समाचार दूरदर्शन के समाचारों की भाषा शैली भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, कोई अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ना ही समासिक शब्द होने चाहिए, बहुत मुश्किल के शब्द नहीं होने चाहिए उसमें, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जैसे अगर शब्दों जो कोई गिनती वगैरह लिखनी है, अगर 1 से 10 तक गिनती लिखनी है तो वैसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद में अगर यूं लिखना है 1515 तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, 1000 ऐसे करके लिखा जाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये होगी रेडियो और समाचार दूरदर्शन के समाचारों की भाषा शैली। इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, आप इसको सुनते रहे तो भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। मुद्रित माध्यम कौन कौन से होते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है? सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचे समाचार को फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ड्राई एंकर, जिस एंकर के पास घटना स्थल से संबंधित दृश्य नहीं होते और वो बिना दृश्यों के जब लोगों को जानकारी देता है उसे ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन, किसी घटना स्थल से फोन से मिली जानकारी देना फोन इन कहलाता है। लाइव, घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारण किया जाना लाइव कहलाता है। जन संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, रंगमंच आदि। इंटरनेट की पर सूचना को क्या किया जा सकता है? पढ़ा, लिखा और देखा जा सकता है। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें स्वर, ध्वनि और शब्दों का मेल होता है। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। दूरदर्शन और रेडियो की भाषा शैली में भाषा सरल होनी चाहिए, साफ सुथरी टंकित होनी चाहिए, उसमें सामासिक शब्दों का या विशेषणों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं इसी के ही नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में। धन्यवाद।